लोगों को हम बताने वाले हैं कि हमारे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। बहुत बड़ा बिग रीजन है। गाइस रश चेक कर सकते हो आप लोग, कितना ज्यादा लगा हुआ है यहाँ पे। ध्यान ना देखो गाइस, तेनू चोर लगता है चलो। और हमें ये भी नहीं पता कि ब्राग वगैरह कब आ जाए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी है बढ़िया। और आज काफी दिन बाद हम व्लॉग शूट कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे हो कि इतने दिन से हमारा व्लॉग्स क्यों नहीं आया, तो वो तो मैं जतन के साथ आपको बताऊंगी। उससे पहले अभी मैं दिखाती हूँ आपको, मम्मा बना रहे हैं ब्रेकफास्ट में आज। ये देख सकते हो आप, बीट रूट वाले परांठे, बीट रूट वाला आटा गूंदा था मम्मा ने, और साथ में पनीर की इसमें फिलिंग कराए करेगी। प्याज डालना है बीच में काट के, मिर्च, हरी मिर्च, जैसे भी लगे नहीं। खैर प्याज बस पनीर का ही खाऊंगा। तो गाइस आज हमारे घर में हेल्दी हेल्दी रोटी बन रही है, मतलब हेल्दी हेल्दी परांठे बन रहे हैं। परांठे तो वैसे अनहेल्दी ही होते हैं, पर चलो पनीर है, बीटरूट है, तो थोड़ा हेल्दी हो जाता है। आज फर्स्ट टाइम मैसे बीट रूट वाले परांठे बना के खिला रहे। एक परांठा ही खा जाएगा ये, मेरे को ऐसा लग रहा है देख के, है ना, हैवी हो जाएगा काफी। नहीं जिद्दा आलू का हम दूध ही है। अच्छा, और हाँ है, ये ला दो, टेस्ट करके बताइयो कैसे बने हैं। पता की हुंदा, मेनू हुंदा जेड़ी चीज बनाई है बढ़िया होनी चाहिए। दर्द मरो कौन कह रहा नहीं, बहुत टेस्टी है। लोग पूछ रहे है स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पूछ रहे की आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। बता देंगे क्यों नहीं आ रहे, तुम्हें नहीं पता क्यों नहीं आ रहे, तुम बताओ। थोड़ी देर बाद में बताएंगे गाइस। पनीर विद बीटरूट परांठा मेड बाय मम्मी। ये इन्वेंशन क्यों फिर लिया आज? ये हम ना यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं ना अम्मा, पर ये अच्छी चीज तो है। मैं शायद मैं जिम जाने लग गया था। यस, जिम जा रहे हो इसलिए हमने सोचा अच्छा अच्छा खाओ, बढ़िया बढ़िया खाओ। देना दो एक बाइट, बिना दे नहीं कुछ, चल दे दे। So, hey guys, good evening. आप लोग भी सोच रहे होगे यार कहाँ गायब हो गए हो। तो अभी हम लोग ना कुछ काम से बाहर आए थे, तो हमारा काम तो हो गया है और बिजी चल रहे हैं यार बहुत ज्यादा। सच बताए तो लोग कुछ यार बाहर निकलते हैं काम के लिए, काम करते हैं, लोग बनाने का टाइम ही नहीं मिलता, बस ऐसी जिंदगी चल रही है पिछले एक हफ्ते से। लेकिन चलो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ अपडेट देते रहेंगे बीच बीच में। हाँ जी, ठीक हो? Yes. और मैं कैसा लग रहा हूँ व्हाइट टी शर्ट में? बड़े टाइम बाद डाली है मैंने व्हाइट टी शर्ट, बताना। काफी सुंदर लग रहे हो, मुंडा ही सोना है। और गाइज आप लोगों को हम बताने वाले कि हमारे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, तो इस पे कोई तो हमारे व्लॉग्स नहीं आ रहे, वो एक बहुत बड़ा बिग रीजन है। ऐसा काफी लोगों को लग रहा है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई बड़ा रीजन नहीं है। वैसे ही मतलब थोड़े से हम बिजी हो गए थे घर के कामों में, बाकी चीजों में, तो उस वजह से हमारे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। और हमने सोचा कि चलो ठीक है थोड़ा टाइम बाद अभी शूट करते हैं। आज हमें टाइम लगा व्लॉग शूट करने का, तो आप दिन तक पहले डाला था डुबू व्लॉग हम पर। काफी लोग ना इंस्टाग्राम पे स्नैपचैट पे पूछ रहे कि आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, कोई बात है कि आप ना
कोई शॉर्ट वीडियो वगैरह, बट अभी हम थोड़ा सा रेगुलर हो गए। लोग मेरे को भी पर्सनली कुछ भी बोल रहे थे, चलो नेगेटिव थोड़ा सा लेके, क्योंकि मैं क्या ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा भी मत सोचा करो। लोगों को लगा हम लड़ गए हैं शायद, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अगर थोड़ा सा भी इनएक्टिव हो जाता है तो लोगों को यही लगता है कि शायद इनके बीच कोई खटपट हो गई है। इंस्टाग्राम पे ज्यादा इनएक्टिव है हम यूट्यूब से। यूट्यूब पे तो लास्ट हमने 4 दिन पहले व्लॉग डाला है ना, और इंस्टाग्राम पे तो मेरे को लग रहा है 10-12 दिन हो गए, वो भी लास्ट प्रमोशन डाली थी मैंने। तो इस वजह से काफी लोगों को लग रहा है कि हम लोग कहीं गायब ही हो गए, पर ऐसा नहीं है गाइस, हम काम के सिलसिले में थोड़े गायब थे, बट अभी हम। और गाइस आपके भाई ने दोबारा से जिम ज्वाइन कर लिया है, पता नहीं अजीब सी लाइफ हो गई है, बिजी सी, पता क्यों गाइस टाइम नहीं मिल रहा है। हम जा रहे होते हैं पर्सनल काम के लिए तो वहाँ शूट करना इम्पॉसिबल है, तो अगर आपको ये बोलेंगे यार ये काम हो गया, फिर आप लोग भी थोड़ा सा हरास हो जाओगे यार, कि यार डिसअपॉइंटेड हो जाओगे कि यार ये बताते तो है नहीं किस काम के लेके हैं और ये बोलते रहते हैं कि काम हो गया, तो मैं फिर बनाता ही नहीं हूँ इस वजह से व्लॉग। बट अभी कोशिश और वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि यार आधे पौने घंटे में काम हो गया, पूरा दिन लग जाता है, सारा दिन ऐसे वेस्ट हो जाता है। फिर कोई बात नहीं, चैलेंज वीडियोस पसंद आई थी लोगों को मेरी बहुत, जो मैंने चैलेंज वीडियोस बनाते हैं बीच में। yes. कल बनाते हैं, कल गाइस इसी व्लॉग में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं घर जाके। okay. अभी तो वैसे मेरे जिम का टाइम हो गया है, मेरा हो चुका है। अभी तो वैसे मेरे जिम का टाइम हो गया है, तो अभी शाम के बज रहे हैं 6:07, तो मैं जाता हूँ जिम 7:30 बजे। अगर एक्सपेरिमेंट करने का टाइम मिला तो अभी करेंगे, नहीं तो कल करेंगे। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। तो आज हम लोग जो है आप लोगों को बॉयज ट्रिप पे लेके जाने वाले हैं, तो आज हम लोग घूमने जाने वाले हैं, हम 4 वेले दोस्त आज जा रहे हैं, उसका हमें अभी तक पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं। वैसे पता नहीं, देखते हैं यार, जीटी रोड पे जाके गाइस मुंडिया का ही हुंदा हुंदा, बाद च जाके पता लगदा हुंदा किधर जाना किधर नहीं। चलिए फिर जिथे गए उथे घूम ले, जिथे गए बिल्कुल सही। तो अभी लुधियाना पार भी नहीं करा हम लोगों ने, और पहली ब्रेक हम लोगों ने ले ली है, हम लोगों ने करवाए हैं अभी समोसे छोले। तो गाइस ये है लाडोवाल चौक, और यहाँ पे समोसे कहते हाथ वड्डन वाला ही काम होता वा, इन्ने घैंट होंगे। तो गाइस ये आ गए अपने समोसे और छोले, देखने में तो बड़े मस्त लग रहे हैं। तो गाइस हम लोग आए हैं इधर हुशियारपुर से आगे वाली साइड, मतलब सबसे पहले आएगा रास्ते में चिंतपूर्णी माता का मंदिर। करो गाइस यहाँ पीछे ना लंगर लगा हुआ है, रास्ते में ना बहुत जगह लंगर लगे हुए हैं, तो हम कहीं रुके नहीं तो हम यहाँ पे रुक गए, तो हम सोचा यार ब्रेक लेते हैं और चाय वगैरह कुछ पी लेते हैं। गड्डी बैक कर। अच्छा फिर गड्डी बैक कर के ना इथे इस साइड ला, सीधी ला दा। हाँ ठीक है, पास्ता है। तो अभी हम लोग आए थे गगरेट, और यहाँ पे जो चाय और पकौड़े खाए हैं ना मने, और मजा आ गया मैं कह रहा हूँ। तो ये शॉप है भाई, ये हाईवे निकलता है यहाँ से, है ना, देखने जिन्ना है नहीं गा तो वधिया हो, लेकिन स्वाद बहुत घैंट है, चाह भी मैं कहना मजेदार है पूरी। माता चिंतपूर्णी पहुंच गए, और रश देखो कितना है भाई, ओए होए होए लंबी लाइन नहीं है, तो जो भी आ रहा है भाई देख के आओ। गाइस आधा घंटा हो रखा है और हम लोग जो है पूरे जाम में फंस चुके हैं, तो कोई भी चिंतपूर्णी आ रहा है तो भाई देख के आओ, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। चाहे अभी नराते शुरू नहीं हुए, लेकिन नरातों में और ज़्यादा हो जाएगा रश, तो भाई देख के आओ अपना। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं मैकलोडगंज वाली साइड, अभी मैकलोडगंज से हार्डली 8-10 किलोमीटर ही पीछे होंगे, और यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले होटल लेना है तो रुकेंगे। और जो आप लोगों को व्लॉग में मज़ा आने वाला है ना, बिकॉज हम लोग यार यहाँ पे कैंपिंग तो नहीं लेकिन कुकिंग करने वाले हैं, खुद बनाएंगे और खुद खाएंगे। ओ आगे। तो गाइज हमारी पिकनिक का सामान सारा कुछ हम घर से लेके आए हैं, कढ़ाई कड़ुई गैस, ये हमारी, ये देखो गाइज हमारा स्टोव देखो कितना अच्छा है, बढ़िया निक्का सा। तो बाहर यहाँ पे हम बनाएंगे गाइज अभी चिकन, और चिकन हम लोगों ने रास्ते से पकड़ लिया था, बस गाइज आसपास चेक करो, पूरा जंगल है आसपास, जहाँ पे हमारा होटल है ना यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल है ये देखो। और हमें ये भी नहीं पता कि बराग वगैरह कब आ जाए, तो टाइम से बनाते हैं खाते हैं और सोते हैं फिर। और आवाज़ चेक करो गाइज कीड़े मकोड़ों की कितनी है, बंद कर दे, उधर ऊपर बंद कर, बंद कर, बस
तो गाइज ये कनेक्ट करना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि हमें पता नहीं लग रहा था, तो हमने यूट्यूब पे वीडियो देखी। तो गाइज आप लोग देख सकते हो ट्रेल कितनी पड़ रही है, सारी जमीन जो है गिल्ली हो रखी है। अभी कढ़ाई मैं ऐ लग रहा है जिम्मे लंगर लाना होंगे आपा है, आप भी नवी नवी चीजा कर लग गए हैं। आप जाते होंगे भी पर आप कदम शूट शाट नहीं करते है ना। मैं इस कद शूट नहीं किया, जाने जुने जिन्हें भी ट्रिप ट्रुप लाई दे, मैं इस बार शूट करते हैं तो जो भी खाना खुना बनाने जिम्मे भी असं चीज़ा करते हैं सारा कुछ शूट करिए। मैं सच कहाँ तो आह चीज़ बहुत वधिया वा कैंपिंग कैंपिंग वाले लोगों लिए। आ छोटा जहा स्टोव आ एक आ गैस आ, तो यार आप थोड़ा नॉन वेज बनाने लगे तो जो वैजीटेरियन बंदे आ तो वो थोड़ा स्किप कर सकते हैं। ये अपना चिकन पाओ जी, मसाला बनाओ। लो भाई गाइस आज हम लोग जो बनाने वाले हैं चिकन और बटर डालेंगे हम लोग चिकन कोरमा। ये की कहेंगे की डिश का नाम दिए, कोरमा ही होता बटर या है हिमाचली चिकन, हिमाचली चिकन हिमाचली। तो आज इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं हम लोग। होटल वाले भी सोच रहे होने पागल हो गए रात दे एक बजे। वो एडा बटर कदों लिया हूँ बटर की खुशबू बस कर रहन दे यार, इन्ना की करना यार यार हूँ ओपन करता तुम पागल हो गए जवाकों की हरकत वो कर देना कूड़ा ना खिला आओ कूड़ा ना खिला यार चको यार सारा कुछ चको जेब च पा यार जल्दी सही गल कोई नहीं गई तुम बाद में उठा देंगे। ये तो बेशरम ने आज कट नहीं गए कट्टे गए हां जी की चल रहा लो जी चिकन जतिन बना रहा, जतिन इधर देखो रेसिपी बाय नवीन सरोए एंड मेड बाय जतिन। क्यों ये ना पाऊंगा मैं मिर्चा लिख के और का नहीं मेरे को कुछ नहीं कल तो गाइस सबसे पहले हम लोगों ने पहला बटर पाया गाइस, फिर प्याज कच्चू ना होने की वजह से गाइस हमने मिर्चें और टमाटर ऐसे ही राड़ दिए। पानी बावा थोड़ा नहीं नहीं रहना तो सही है, और थोड़ा सा ना इसको ब्राउनिश कर लेना है हम लोगों ने। और अभी जा रहा है नमक स्वाद अनुसार, बस कर बस एकदम तो भी जा रही है लाल मिर्च कर दे प्याज होर है नी चल ठीक है सोया जाके जा संधि का भरा ही है पूरी है थोड़ा मसाला घट आ प्याज घट लिया भी आप फड़ लेने चाहिए सारे दो प्याज उसे डेगे मैं कस के फसे चल कोई ना यार बहुत वधिया मसाला ओदे तो ही फड़ लेने जी जदों बनना ना तुसीं कहना यार ये की बन गया मेरा बनाया चिकन भी है कड़ा कित्थों बनेगा थोड़ा जिहा उन्ना होर है ढक दो वधिया यार सेक दा वधिया लग रहा है ना कड़ाई नूं। तो गाइस आधे घंटे के लिए हमने इसको रख दिया और आधे घंटे के बाद इसको खोलेंगे और फिर टेस्ट करके देखेंगे कैसा बना है। तो गाइस फाइनली हमारा जो चिकन है वो बन के तैयार हो गया है, तो टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा बना है। लेकिन जो शक्ल है ना वो बेहतरीन लग रही है यार। तो गाइस फाइनली हमारा जो चिकन है तैयार हो गया, रोटी हम लोग ढाबे से ले आए थे, तो टेस्ट करते हैं अभी।
सो हे गाइस गुड मॉर्निंग। आज है अगला दिन और रात को हम लोगों ने जो चिकन बनाया ना भाई मस्त मजा आ गया। और भांडे भी धोने हैं अरे भांडे धोने बाकी है ते असी ना मैकलोडगंज तो 10-12 किलोमीटर पहले ही रूम ले लिया सीगा। मैं तुहानू रूम टूर दिना छोटा जिहा, ठीक है। खलारा बहुत पिया है वा पर सानू बहुत सस्ते च मिल गया। नवी दे नानके होर ही रहिंदे आ कपड़े पाओ इत रखो जो मर्जी जो असी लैके नहीं आए। आ शीशा दिता है राय शीशा देख के जाई साले डरना जी ठीक है। इधर बाथरूम आ एक आ बैड लगा हुआ वा खलारा पिया आ रहना सहना ही नहीं आंदा है लोगों यार। एक नीचे गद्दा लवा लिया टीवी दिता टीवी तो देखी ना रोटी खाधी नहीं रती अद्धी अं पई हुई है। आ भांडे मांजने देखो किमें रखे हुए ओ हैलो ओए संजू चल तो भांडे चल भांडे तो ओए दो भांडे चल राती बड़ा बुड़का मार रहा कहना मैं तो आऊंगा भांडे कल्ला ही सारा माड़ी जनानी मंगू पिया संजू कड़ाई जीटा था आप ਸੰਜੂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਗਾ ਮੇਰੀ ਸਾਲਿਆ ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਸ ਜੇ ਮੀਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਫਲਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ ਬਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੰਜ ਬਚ ਗਿਆ ਕੋ ਕੋਡੀ आक्रमण भाई तो अभी हम लोगों ने चाय मंगाई थी तो सुबह की चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं। की प्रोग्राम है यार हुण दा फिर है ना भी पालमपुर जाना कि मैकलोडगंज जाना पालमपुर जाना। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं पालमपुर वहाँ पे मैगी मूगी बनाएंगे नदी में नहाएंगे मजे करेंगे। तो जो भी लोग मैकलोडगंज जा रहे हैं भाई सोच समझ गए हो बहुत आगे तक जाम लगा हुआ है। तो गाइस गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दिया और भाई यहाँ पे पार्किंग का ही यहाँ पे इतना बढ़िया माहौल हो रखा है इतना बढ़िया वेदर हो रखा है चेक करो यार। अभी ऊपर तो मैं कह रहा हूँ वाटरफॉल के पास और मजेदार होगा। हट्टी हट्टी गल बे साफ कराना है तो पैसे नहीं देने साफ करे कोई नहीं कहना दुश्मन मिले हजार पर दोस्त ना मिले चिनार। तो गाइस यहाँ पे ना मेला लगा हुआ चल जलेबियां खाओ फिर पकौड़े खाओ इन्होंने तो थाईलैंड उरी बनाया है वह समोसे आ गए आई जाना बेच संजू लिटना नहीं है तो मैं आ झूटा लेना वा हाँ एक्सपोर्ट का माल है सारा कुछ ये दिल्ली वालों का नहीं आता राय आ कम नहीं करने है मार्केट के शर्ट बेची गुम गई शर्टा देख शर्ट गुम गई ओना स्ट्रैटेजी है नवी शर्ट ले तू शर्ट गुम गई मिल गई
ਜਵਾਕਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣੇ ਹੁਣੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਵਾਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗੁੰਮਣਾ ਜਿਹੀ ਉਂਗਲ ਲੜ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ। ਬੂਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਚ, ਬੈਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਣਕਾਂ ਔਣਕਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹੀ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਰੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 100 ਰੁਪਏ ਚ ਹੈਪੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 10 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਧੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਬੰਨਿਆ ਕਰ। ਲੋ ਵੀ ਗਾਈ ਹਮ ਖਾਏਂਗੇ ਮੋਮੋਸ। ਵੈਜ ਹੈ ਕਿ ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਆ? ਅੱਛਾ ਵੈਜ ਨੋਨ ਵੈਜ ਦੋਨੋਂ। ਗਾਈਸ ਅਭੀ ਹਮ ਲੋਗ ਰੁਕੇ ਹੈ ਲੈਮਨ ਪੀਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ, ਉੱਤੋਂ ਲੈਮਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ। ਓਏ ਆਹ ਕੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਲੈਮਨ ਨਾਲ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਬਾ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਦ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਹਟੀ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾ ਇੱਧਰ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜੈਵਰਾ ਲਾਦਾ ਹੂੰ ਗੱਲ ਲਗਾ ਤਾ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਓ ਯਾਰ ਵੀਰਾ ਨੀ ਕੁਛ ਨੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਗਾ ਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਖੋ ਗਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਕਲ। ਤੋ ਗਾਈਸ ਅਭੀ ਹਮ ਲੋਗ ਆਏ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਥਾ। ਤੋ ਗਾਈਸ ਚਰਚ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਨੀਚੇ ਨਾ ਯਹਾਂ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਹੈ, ਤੋ ਅਭੀ ਵਹਾਂ ਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਮੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਮ ਲੋਗ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਲੋਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਭੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੇ ਪਏ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਸਾਲੇ। ਉਹ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਓਏ ਕੋਈ ਭੂਤ ਭਾਤ ਚਿੰਬੜੀ ਜਾਵੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਤੋ ਗਾਈਸ ਅਭੀ ਹਮ ਲੋਗ ਆਏ ਹੈ ਬਈ ਡਲ ਲੇਕ, ਯੇ ਮੈਕਲੋਡਗੰਜ ਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋ ਹੈ, 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਗਾ ਉੱਪਰ ਕੋ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਬਈ। ਬੜੀਆ ਮੌਸਮ ਬੜੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੇਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਤਨਾ ਯਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਇੰਨਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਮੌਸਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਗਾਈਸ ਨਦੀ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮਿੰਨਾ ਮਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਧੁੱਪ। ਓਏ ਹੋਏ ਗਿੱਦੜ ਗਿੱਦੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਇਸ ਮੇਲੇ ਕੇ ਦਿਨ ਇਸ ਝੀਲ ਮੇ ਸਨਾਨ ਕਰਨੇ ਕੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਮਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਸਰੋਵਰ ਮੇ ਸਨਾਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਸਮਾਨ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਝੀਲ ਕੀ ਸਵੱਛਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸਾਬੁਨ ਆਦਿ ਕਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਦੀ ਗਾ ਰੱਖੀ ਨਾ ਲੇਕ, ਉੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਸੀ ਕੋਰਨਰ ਕੋਰਨਰ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਰਹਾ ਇਹ ਬੰਦਰੋਂ ਦੇ, ਗੱਡੀ ਖੋਲ ਗਏ ਕੀ ਕਹਿ, ਉਹਦੇ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਉਹ ਦੇਖੀ ਦੇਖੀ ਰਾਜਾ 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 ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਨੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੀ 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 ਰਾਜੇ ਤੇਰਾ ਸੱਚੀ ਬੇੜਾ ਕਰਕਾ। ਓਏ ਆ ਜਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜੇ ਮੂਰੇ ਓਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੀ। ਹਮ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਤੇ ਗਾਈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੈਗੀ ਬਣਾਏਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਰ ਇਤਨੇ ਆ ਗਏ। ਓਦੇ ਓਦੇ ਓਏ 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 ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਡਰ ਗਿਆ। ਅਭੀ ਹਮ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਜੀ ਮੈਗੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਗਾੜਮੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਆਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਵੈਸੇ, ਅਤੇ ਕੜਾਈ ਆਪਾਂ ਧੋ ਧੂ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਗੀਆਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਗਲਾਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਉਰੇ,
अपने पंजाब च नहीं मिलता शायद, साढ़े नहीं उधर मिलता, बाकी मैं पता नहीं। तो मैगियाँ लेके आए ही, बिस्कुट बास्कुट लेके आए ही, प्लेटा ने डिस्पोजल सारा पै जाना। लो भी गाइस मैगी जिहड़ी आपां पाती आ, होर पैकेट लिया यार। दो पैकेट छोटे वाले पा दे, आ मसाला ज्यादा पी इहदा सुक्का खा ला तू। ओ भी गाइस अपनी मैगी जो है बनके रेडी हो गई है, गर्म सी है। ओए होए 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 सच्ची हाथ फटने पैने राजे तेरे अज। तो गाइस फाइनली मैं घर पे पहुंच गया हूं, और ये हमारा एक दिन का ये ट्रिप था। हम शाम को 5:30 बजे निकले थे, अचानक ही प्लान बना था, और अगले दिन हम लोग रात को 11-12 बजे के करीब पहुंच गए थे। और ये व्लॉग यार बॉयज़ ट्रिप का था, तो बॉयज़ में आप लोगों को पता ही है थोड़ी बहुत गालियाँ गुलियाँ चलती रहती है, बाकी कोई माइंड मूड मत करना ठीक है। ये जो दोस्तों के बीच हंसी मजाक हम लोग करते रहते हैं आपस में। और ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।